खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान तो फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान, अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीरन बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर तो चुने फ्लाई अपीरन जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रचा सिंह स्वागत करती हूँ खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात करेंगे दिल्ली की पहली बारिश में आई आफत की, झारखंड में लौटी सियासी रौनक की और संसद में नीट पर मचे बवाल की। इसके अलावा आज की सियासत की बड़ी खबरों से भी आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। इस साल सामान्य से 6% ज्यादा होगी बारिश, देश के कई इलाकों में मानसून सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी मानसून की आमद हो गई है। खुशखबरी है कि इस साल मानसून देश भर पर मेहरबान रहेगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार इस साल देश में सामान्य से 6% ज्यादा बारिश होगी। डिप्टी NSA विक्रम मिश्री होंगे अगले विदेश सचिव, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार ने देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। वो मौजूदा विदेश सचिव विनय काटरा का स्थान लेंगे। यूपी में 112 हुआ अपग्रेड, AI समेत एडवांस तकनीक का मिला 60। सीएम योगी ने गिनाए बड़े बदलाव। यूपी 112 को दूसरे चरण में AI समेत अन्य अत्याधुनिक तकनीक से जोड़कर अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। इसकी जानकारी खुद सीएम योगी ने दी है। नई तकनीक से जुड़ने के बाद अब प्रतिदिन 42 लाख कॉल रिसीव की जा सकेंगी, अब तक 25 लाख की क्षमता थी। दरियाबंदी दिल्ली का रेस्क्यू प्लान किया गया तैयार। दिल्ली में भारी बारिश के बाद इमरजेंसी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए LG सक्सेना ने छुट्टी पर गए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए हैं। उनके साथ ही उपराज्यपाल ने अगले 2 महीने तक अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। रिकॉर्ड स्तरों से शेयर बाजार में बिकवाली, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन नए ऑल टाइम हाई के बाद शेयर बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली दिखी। शुक्रवार को बाजार बंद होते समय सेंसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 79,000 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 33 अंक फिसल कर 24,000 पर बंद हुई। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, रिपोर्ट्स की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले आज का वायरल वीडियो दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो। अभी वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये परीक्षा किसी गांव के स्कूल या कॉलेज की होगी जहां प्रशासन लापरवाह होगा, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि वीडियो काशी विद्यापीठ की है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, नीट और UGC नेट पेपर लीक के बाद संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। जहाँ एक तरफ सरकार मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है तो वही दूसरी तरफ विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और देश के साथ गहरी साजिश बता रहा है। पेपर लीक को लेकर जारी हंगामे के बीच वाराणसी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शर्मसार करने वाली है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता की परीक्षा में खुलेआम नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि छात्र मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, ना कक्ष नियंत्रक दिख रहा है और ना ही कोई रोकने टोकने वाला। इस दौरान स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करते रहे और प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे से शेयर किए। इस पूरे वीडियो में एग्जामिनर गायब रहे। वीडियो सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे खास रिपोर्ट्स की ओर। लोगों को काफी समय से मानसून का इंतजार था और अब जब मानसून आया तो कोई उसकी मार नहीं झेल पा रहा है।
खासकर दिल्ली। जी हाँ, एक समय से पानी के लिए तरस रही दिल्ली अब पानी से लबालब भर गई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, सड़कें हो या घर, सब कुछ नदियों में तब्दील हो गया है। बाढ़ जैसे हालात लग रहे हैं। दिल्ली और NCR की बारिश ने आज हद पार कर दी है। बारिश इतनी हुई कि इसने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब हाल ये हो गया है कि सड़कों पर पानी भरा है, लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, मोहल्ले और बस्तियां सब डूबी डूबी नजर आ रही हैं, हर तरफ त्राहिमाम वाली स्थिति है। आम लोगों को तो छोड़िए, इस बारिश ने बड़े बड़े नेता मंत्रियों तक को भी नहीं बख्शा, उनके घरों में भी पानी भर गया। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर कई भीषण हादसे भी हुए हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस मूसलाधार बारिश ने कहां कहां मचाई है तबाही। मूसलाधार बारिश से दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों से लेकर सड़कों, दफ्तरों तक सब जगह पानी भरा है। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरें बता रही हैं कि बादलों ने दिल्ली में कैसी जबरदस्त एंट्री की है। इस भीषण बारिश ने बड़े बड़े नेताओं के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सपा सांसद रामगोपाल यादव के घर पानी भर गया, जिससे उन्हें संसद जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके सहयोगियों ने उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाया, जिसके बाद वो सदन के लिए रवाना हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। पहली बारिश में ही टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया, जिससे इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ की लागत से बने नव निर्मित डुमना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के ड्रॉप एंड गो एरिया में टेंसिल रूफ फटने से पानी का सैलाब सा गया और एक सरकारी कार चकनाचूर हो गई। इस घटना में आयकर विभाग के एक अधिकारी और उनका ड्राइवर बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि इसका लोकार्पण 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। एयरपोर्ट में घटिया निर्माण कार्य की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है मोदी सरकार को घेरने का। एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच सरकार के बचाव में आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट का दौरा किया और मृतक और घायलों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। नायडू ने कहा, मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए और घायलों के परिवार वालों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो वहीं इस हादसे को लेकर मंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है वो पुराना है, 2009 में इसका निर्माण हुआ था। जाहिर है हर साल दिल्ली बारिश में डूब जाती है, ऐसे में मानसून से बचाव और सड़कों पर जलभराव ना हो, इसके लिए दिल्ली प्राधिकरण और प्रशासन हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। लेकिन उसके बावजूद हर बार बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है, सरकार के दावे धरे के धरे रह जाते हैं। जगह जगह भरा पानी इस बात का सबूत है कि प्रशासन बारिश से निपटने के लिए क्या इंतजाम करता है, जिसका हर्जाना दिल्ली वासियों को हर साल भुगतना पड़ता है। फिलहाल इसी के साथ रुख करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलते मिलते रह गई, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल ही गई। 5 महीने के बाद सोरेन जेल से बाहर आ गए, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी हाँ, ईडी ने केजरीवाल वाला तरीका अपनाते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ताकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर ना आ सके। लेकिन फिलहाल के लिए हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 मई को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप है। ईडी ने हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण सबूत पेश किए थे।
कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए अधिकारियों से भी मदद ली थी। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सोरेन ने याचिका में ये खुलासा नहीं किया कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। ईडी ने दलील दी थी कि अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी नेता जमानत की मांग करेंगे। जाहिर है बीते लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन कहीं नहीं दिखे। सोरेन इस दौरान जमीन घोटाले के आरोप में लगातार जेल की दीवारों के पीछे रहे। चुनाव बीत गया, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली, मगर आज झारखंड हाईकोर्ट के एक फैसले से न सिर्फ हेमंत सोरेन को बल्कि उनकी पार्टी समर्थकों को सही मायने में हिम्मत मिली है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। 18वीं लोकसभा का संसद सत्र बिना किसी डिबेट के ही रोचक बन चुका है। दरअसल आलम यह है कि अभी तो मुद्दों की शुरुआत भी नहीं हुई थी कि लोकसभा की कार्यवाही को हंगामे के चलते 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस के कई सांसदों ने आज सुबह नीट परीक्षा पर चर्चा कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन स्पीकर ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। सदन पहले दोपहर तक स्थगित हुआ। करीब 12 बजे जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष ने फिर से नीट पर चर्चा की मांग रखी। इस पर स्पीकर ने सोमवार तक सदन स्थगित कर दिया। यहां तक कि सत्ता पक्ष पर यह आरोप भी लगाया गया कि विपक्ष का माइक बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सत्ता पक्ष नीट पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। वहीं सवाल ये भी है कि क्या इस बार सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी पड़ रहा है। देखिए इस मसले पर ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को रोजाना घेर रहा है। वर्तमान में संसद सत्र भी चल रहा है जहां विपक्ष इस पर चर्चा के लिए एनडीए सरकार पर दबाव बना रहा है। आज एक बार फिर से लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए समय देने की मांग की गई। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको चर्चा के लिए आगे वक्त मिलेगा। मगर यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त नीट पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ था, उस वक्त एक बहुत बड़ा आरोप भी लग गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद किया गया है। उनके इस आरोप पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यहां पर कोई बटन नहीं होता जिससे माइक को बंद किया जाए। कांग्रेस ने भी माइक बंद करने के मुद्दे पर हमला बोला। दरअसल विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि नीट पेपर लीक पर चर्चा की जाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप सभी लोगों को पहले ही अवगत कराया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब के लिए आपको समय दिया जाएगा। मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि वह आपके जरिए उठाए गए सभी मुद्दों पर जवाब देगी। आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आप डिटेल में चर्चा कीजिए। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार नीट को लेकर हंगामा करते रहे। देखिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं, सर, हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। पूरे प्रकरण के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। फिलहाल ये प्रकरण बता रहा है कि इस बार सत्र काफी रोचक होने वाला है। जिस तरह के तेवर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने दिखाए उससे यह आशंका मजबूत हो गई है कि 18वीं लोकसभा में सहयोग और संवाद नहीं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ज्यादा रहने वाली है। देखा जाए तो संसद सत्र से साफ हो गया है कि विपक्ष ने ये संदेश सरकार और देश को दिया है।
10 साल तक जो मनमानी सत्ता पक्ष ने की है वो अब तक नहीं चलेगी, क्योंकि अब विपक्ष भी मजबूत है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भले ही सदन में संख्या बल सरकार के पास ज्यादा है, लेकिन मनोबल उसके पास ज्यादा है, क्योंकि सत्ता पक्ष की सीटें कम हुई हैं और विपक्ष के सांसदों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। एक दूसरे को कमजोर साबित करने और खुद को दूसरे से ज्यादा मजबूत दिखाने की ये होड़ आने वाले दिनों में और तेज होगी। और आपको बता दें कि संसद में सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष का टकराव लगातार बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। तो ये तो दी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज राजनीति में और क्या कुछ हुआ खास वो भी बता देते हैं आपको। आज संसद में इंडिया गठबंधन के सांसद नीट, नेट और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर तुरंत बातचीत करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम बेहोश हो गई, उन्हें संसद से एम्बुलेंस में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने AIIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के घर में तोड़फोड़ की घटना पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त को तलब किया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक 27 जून की रात करीब 9 बजे 4-5 लोग मध्य दिल्ली स्थित ओवैसी के आवास पर पहुंचे और घर के प्रवेश द्वार और दीवार पर 3 पोस्टर चिपका दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओम बिरला ने संसद में ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने दिल्ली CP को भी तलब किया है, क्योंकि ये घटना हाई सिक्योरिटी जोन और पुलिस मुख्यालय के विकल्प के सामने हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को 2024-25 के राज्य बजट में 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक भत्ते की वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। वित्त विभाग संभालने वाले पवार ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनाव से 4 महीने पहले जुलाई से लागू की जाएगी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मगर जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे। इस वक्त सरकार ऐसे कार्य कर रही है जैसे उसने वास्तव में ही अपना 400 सीटों का लक्ष्य हासिल कर लिया हो। उधर कांग्रेस ऐसे दिखा रही है जैसे उसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हो। इसका नतीजा ये है कि ऐसे समय में फिर से टकराव उभर रहे हैं। लेखिका अरुंधति राय के खिलाफ 14 साल पुराने मामले को फिर से शुरू किया गया है और आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। यूपी में बुलडोजरों से घरों को ढहाना जारी है और छत्तीसगढ़ में फिर से गौरक्षकों का बोलबाला है। शायद यही वजह है कि 4 जून के अपेक्षाकृत चुनावी अल्पमत के बावजूद सत्ता पक्ष ये आभास करा रहा है कि वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है, अपने तीसरे कार्यकाल में किसी भी तरीके की ढील देने के मूड में नहीं है। भले ही अब वे गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक देश ऐसे नहीं चल पाएगा, और चल भी जाएगा तो शायद आगे नहीं बढ़ पाए। इस वक्त जरूरी है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को ही जनहित के मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, तभी बन पाएगा देश सबसे ताकतवर। फिलहाल जाते जाते पेश है आपके लिए आज का सुविचार। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है।